हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीमा स्थानीय जी के गोवानी राजकीय महाविद्यालय के बाहर एनएसयूआई की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विकास मांझू के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि प्रवेश के समस्त प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट किया जाए, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को विगत कक्षा में आए अंकों में 10% के अतिरिक्त वृद्धि कर प्रमोट किया जाए, वर्तमान सत्र के सभी विद्यार्थियों की फीस माफ किया जाए, साथ ही छात्रावास रूम किराए को भी सरकार की ओर से माफ किया जाए। इन समस्त मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष विकास मांझू ने बताया कि यदि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन किया जाएगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए विकास मांझू एनएसयूआई जिला अध्यक्ष जालौर इन्होंने ये कहा। हमारे सर सबसे बड़ी मांग ये है कि प्रदेश के समस्त प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोट किया जाए। दूसरी हमारी जो मांग है, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को विगत कक्षाओं के 10% बढ़ोतरी के साथ प्रमोट किया जाए। तीसरी हमारी जो मांग है, वर्तमान सत्र की फीस को माफ़ किया जाए। चौथी जो हमारी सबसे बड़ी मांग है ये कि छात्रों का हॉस्टल और रूम किराया माफ़ किया जाए। जागरूक टीवी के लिए जालौर से खास रिपोर्ट।